हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले बहुत सारे डिफरेंट शेयर्स एंड उनसे जुड़ी हुई बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, एसएमकेसी इस चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लेना, एंड साथ में बेल आइकन रहता है उसको भी हिट करके रख लेना, तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पहुँचते रहेंगे। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले और एक इंपॉर्टेंट बात आपसे शेयर करना चाहूँगा। आज के दिन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, दो वीडियोस यहाँ पे मैंने अपलोड कर दिए हैं, एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, नोटिफिकेशन के कारण आप तक वो वीडियो नहीं पहुँचे, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ, दोनों वीडियो देख लेना। एक वीडियो आप लोग देख सकते कि वहाँ पे शेयर गिरने वाला है, अपॉर्चुनिटी यहाँ पे उठानी है, अच्छा खासा शेयर आपको सस्ते दाम में मिल सकता है, एंड तीन शेयर ऐसे जो कि कल आप लोगों ने ज़रूर बाजार में उनके ऊपर फोकस रखना है, मीडिया भी उसको कवर करने वाली, बाजार को वो हिला भी सकते हैं, एंड ये तीनों शेयर मेरे पोर्टफोलियो में भी है, तो आप लोग ज़रूर इन तीनों शेयर के ऊपर स्टडी भी कर सकते हो। सो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर, एंड यहाँ पे इंडिविजुअल स्टॉक को कवर करने से पहले हम लोग देख लेंगे निफ्टी 50। यस, निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस 100 पॉइंट्स की जंप, 1% की जंप हम लोग कह सकते हैं, अभी भी 9900 पे चलते हुए देखने को मिल रहा है, बट बीच में हम लोग को निफ्टी में गिरावट देखने को मिली थी, एंड इसका रीज़न आप सभी लोगों को पता है, इंडिया एंड चाइना के बीच वो बॉर्डर में जो तनाव चल रहा है, इसके कारण हम लोगों को ये प्रेशर देखने को मिला था, जो कि हम लोग कह सकते हैं। सो अगर इंडिया एंड चाइना में जो तनाव है एलएसी के ऊपर, अगर वो कंसिस्टेंटली बढ़ता रहेगा, सो डेफिनेटली उसका ट्रेलर यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि कैसे मार्केट नीचे गया, तो ये और भी प्रेशर बढ़ेगा, तो ये और भी मार्केट को यहाँ पे खराब कर सकता है। सो यही वजह थी, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि बीच में मार्केट क्यों नीचे गया था, तो उसकी वजह यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दी। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार अमेरिकन बाजार के ऊपर भी नज़र डाल लेते हैं, यहाँ पे मैं रिफ्रेश करके देख लेता हूँ कि अभी की लेटेस्ट स्थिति क्या है, एंड ये जो परफॉर्मेंस है 8:50 का है, जो कि हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। सो अमेरिकन बाजार की शुरुआत तो बहुत ही शानदार थी, अभी भी हम लोग देखेंगे तो 450 पॉइंट्स की जंप भी देखने को मिलेगी, लगभग 1.5% से ज़्यादा की जंप, बट स्टिल मार्केट ये नीचे जाते हुए हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो ओवरऑल हम लोग जरूर कंसीडर करेंगे रात भर मार्केट चलने वाला है, उसके बाद स्थिति क्या रहेगी उसके ऊपर आप लोगों ने फोकस जरूर रखना है। तो चलिए इंडिविजुअल स्टॉक के ऊपर आ जाते, तो सबसे पहले आप लोग देखोगे येस बैंक से रिलेटेड, आप सभी लोग पता है फंड रेजिंग से रिलेटेड शेयर होल्डर से अप्रूवल यहाँ पे मिल चुका है, अभी सारे नज़रें हैं वो येस बैंक के बोर्ड के ऊपर रहने वाली कि क्या वो फंड रेजिंग को यहां पे मंजूरी देने वाले, आगे इस चीज को कैसे लेके जाने वाले हैं। सो फंड रेजिंग की प्लान की बात करें तो 12,000 करोड़ से लेके 15,000 करोड़ का फंड रेजिंग का यहां पे येस बैंक का प्लान है, एंड ये भी बताना चाहूंगा कि ये जो प्लान है वो एफपीओ के द्वारा यहां पे फुलफिल किया जा सकता है। इससे पहले येस बैंक यहाँ पे कोशिश कर रही थी कि राइट इशू के जरिए वो फंड रेजिंग यहाँ पे कर सके, बट यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं SBI एंड शेयर होल्डर ने उसको मंजूरी यहाँ पे नहीं दी थी। सो आगे की बात अभी हम लोगों को देखने की, शेयर होल्डर ने इस प्रोसीजर को तो अप्रूवल दे दिया है, अभी येस बैंक यहाँ पे इससे रिलेटेड क्या चीज़ें करती है इसके ऊपर यहाँ पे निगाही रहने वाली है। वापस कहना चाहता हूँ, ये न्यूज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए, इसलिए मैं बात बताइए, कोई भी यहाँ पे निवेश नहीं करना है, जिन लोगों ने भी निवेश किया वो अभी यहाँ पे लाइफ टाइम के लिए एटलीस्ट 3 साल के लिए लॉक इन पीरियड में अटके हुए हैं, तो न्यूज़ पता होनी चाहिए इवन दो वो शेयर आपके पास रहे या ना रहे। उसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक बहुत ही दिग्गज बैंक है, पहले हम लोग सारे बैंक से रिलेटेड बात करेंगे। सो लगभग 1.78% की जंप हम लोग को कोटक बैंक में यहाँ पे देखने को मिल रही है, एंड कोटक बैंक ने यहाँ पे एक पॉजिटिविटी क्रिएट इसीलिए हुई है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे गिरावट से हम लोग को जंप देखने को मिली है, उसके पीछे की वजह भी है कि उनका जो बेस रेट है वहाँ पे उन्होंने कटौती कर दी है। सो कितने से कटौती कर दी है, 0.30% से, यस यहाँ पे लिखना चाहूँगा 0.30% से उन्होंने यहाँ पे बेस रेट में कटौती कर दी है, जिसके कारण हम लोगों को यहाँ पे कोटक बैंक में थोड़ी सी पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। सो कोटक बैंक के बाद यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे और एक बैंक के ऊपर, जैसे मैंने कहा कि पूरे बैंकिंग सेक्टर को ही कवर कर ले, तो एक्सिस बैंक आज लगभग 11% हम लोगों को लुढ़कते हुए देखने को मिला था, एंड इतनी बड़ी गिरावट उसके पीछे की वजह क्या है, एंड 11% के बाद आप लोग देख सकते हैं 9% की रिकवरी भी हम लोगों को लगभग होते हुए देखने को मिली। सो ओवरऑल जो गिरावट है लगभग 2% के आसपास, 2.5% के आसपास देखने को मिल रही है। सो ऐसी क्या न्यूज़ है उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे चले जाते हैं। सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एक्सिस बैंक में हम लोगों को यहाँ पे इसीलिए गिरावट देखने को मिल रही है क्योंकि एक्सिस बैंक के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है उन्होंने यहाँ पे रेजिग्नेशन दे दिया, उन्होंने क्विट कर दिया एक्सिस बैंक, एंड उन्होंने रीज़न भी दिया है कि मैं ये रेजिग्नेशन दे रहा हूँ क्योंकि मुझे दूसरे लेंडर्स में यहाँ पे जाने की यहाँ पे वो सोच रहे। आप लोग देख सकते हैं परस्यू द अदर अपॉर्चुनिटीज़, ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं, एंड उसी के साथ साथ हम लोगों को यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। ये मैंने आप लोगों को एक वीडियो में बता दिया था, जो मेरा दूसरा चैनल है स्टॉक मार्केट का क्लासेस, कि कोई भी बड़ी हस्ती डायरेक्टर जब रिज़ाइन दे देती है तो शेयर में हम लोग को गिरावट देखने को मिल जाती है, बट वो रीज़न भी क्या बताते हैं वो भी हम लोग को देखना है। तो आप लोग देख सकते हैं उन्होंने पर्सनल रीज़न यहाँ पे बताया, कोई भी एक्सिस बैंक के अंदर गड़बड़ नहीं चल रही ऐसी कोई भी बात उन्होंने यहाँ पे सामने नहीं बताई है। तो इसीलिए आप लोग देख सकते कि किसी की भी बड़ी जो पोस्ट होती है
एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उन्होंने यहाँ पे रिजाइन दिया, तो ये बात अच्छी नहीं होती, तो यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। बट बाद में शेयर में हम लोग को रिकवरी भी देखने को मिली, क्योंकि जो रीज़न उन्होंने प्रोवाइड किया वो कोई भी बैंक के अंदर मैनेजमेंट में गड़बड़ नहीं है, ये उन्होंने यहाँ पे कह दिया। उनको आगे बढ़ना है, दूसरे बैंक के लिए यहाँ पे उनके सामने अपॉर्चुनिटी आ सकती है, ये न्यूज़ सूत्रों के द्वारा यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रही है। सो मिस्टर मंडल की अगर हम लोग बात करें तो वो रिटेल फ्रेंचाइजी बिजनेस के लिए एक्सपर्ट यहाँ पे माने जाते हैं। एंड इससे पहले उन्होंने HDFC बैंक, उसी के साथ साथ येस बैंक में यहाँ पे काम किया, एंड एक्सिस बैंक में भी उन्होंने काम किया था। अभी तो उन्होंने यहाँ पे रेजिग्नेशन दे दिया है। सो कोई भी इंटरनल इशू नहीं है, ये तो उन्होंने अपने कमेंट्री से एंड रीजन से यहाँ पे बता दिया है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे बजाज ऑटो। बजाज ऑटो शेयर में हम लोग को आज लगभग 0.56% की गिरावट देखने को मिल रही है, नॉमिनल गिरावट है। तो यहाँ पे आप सभी लोग पता है बजाज ऑटो से रिलेटेड यहाँ पे जो उनका एक बहुत ही फेमस मॉडल है टू व्हीलर का, एंड वो है चेतक, उसकी यहाँ पे वापस हम लोगों को ऑनलाइन बुकिंग स्टार्ट होते हुए रिज्यूम होते हुए देखने को मिल चुकी है, जो कि एक इलेक्ट्रिक स्कूटर हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिली है। सो आज से ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, टाइमिंग भी मैंने यहाँ पे बता दिया है। सो ये अच्छी बात है, लॉन्ग रेंज में कंपनी को ज़रूर इसका फ़ायदा हो सकता है। उसके बाद आप सभी लोगों को पता है राकेश झुनझुनवाला सर से बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे सुनाई दे रही है कि इनसाइडर ट्रेडिंग, यस राकेश झुनझुनवाला को यहाँ पे सेबी की तरफ से आप लोग देख सकते हैं सेबी सर्व अ नोटिस टू द राकेश झुनझुनवाला ओवर द एलिट अ इनसाइडर ट्रेडिंग चार्जेस। सो सभी लोगों को ये तो समझ में आया कि सेबी ने राकेश झुनझुनवाला के अगेंस्ट कुछ ना कुछ उनको नोटिस यहाँ पे सेंड कर दिए, एंड उनके ऊपर आरोप लगा दिया कि इनसाइडर ट्रेडिंग के चार्जेस से रिलेटेड। अभी जो लोग नए हैं उनके लिए इनसाइडर ट्रेडिंग ये कम्प्लीटली एक नया वर्ड रहेगा, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब ऐसी बात होती है कि एक इन्फॉर्मेशन होती है जो कि कंपनी के अंदर होती है, उसको हम लोग कहते हैं प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि अगर बाहर किसी लोगों को पता चले एंड उसके ऊपर अगर वो एक्शन ले तो वो पूरे शेयर को यहाँ पे बिगाड़ सकती है। मतलब फॉर एन एग्जाम्पल अभी मैं बात करूँ तो फॉर एन एग्जाम्पल मैं किसी कंपनी में काम करता हूँ, बहुत ही हाई लेवल में मैं डायरेक्टर हूँ, एंड मुझे पता है कि ये कंपनी आगे जाके बहुत बड़ी कंपनी के साथ मर्ज होने का प्लान कर रही है, कुछ ना कुछ यहाँ पे अच्छा होने वाला है। तो मैंने जितने भी मेरे दोस्त थे रिलेटिव थे उनको बता दिया कि मेरे कंपनी के शेयर खरीद के रख लेना, क्योंकि 3 महीने के बाद हमारा इतना इतना बड़ा मर्जर होने वाला है। सो आप समझ सकते हो कि ये प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि आगे जाके यहाँ पे शेयर प्राइस 100 का 200 हो सकता है, 300 हो सकता है। सो मैंने बाहर लोगों से क्या कर दी, ये प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन थी कंपनी के अंदर की, वो यहाँ पे मैंने मिसयूज़ करके बाकी लोगों को बता दी। तो इसको कहते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। ये दोनों साइड से होती है, जैसे मैंने कहा ये प्रॉफिट वाली हो गई, लॉस वाली भी होती है। मैंने मेरे दोस्त लोगों को फ़ोन करके बता दिया कि मेरी ये जो कंपनी आप लोगों ने शेयर खरीद के रखा है ना, निकल जाओ इससे। क्यों? क्योंकि इस कंपनी से अभी हर कोई निकलेगा, डायरेक्टर निकलेगा, CEO निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे गड़बड़ी शुरू हो चुकी है। सो लोग पहले निकल जाते हैं हायर लेवल प्राइस पे, एंड बाद में न्यूज़ सामने आ जाती है कि इस कंपनी में सब लोग रिजाइन दे रहे हैं। सो येस बैंक में भी ऐसे हम लोग को इनसाइडर ट्रेडिंग के भी मामले देखने को मिले थे। तो इसी से रिलेटेड ये नोटिस सेबी ने यहाँ पे उनको यहाँ पे सर्व कर दी है। सो अभी अगर कभी कोई भी आपको अगर पूछे कि इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब क्या, कि कंपनी के अंदर की जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, सेंसिटिव में पढ़ रहा हूँ, ऐसे कोई छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन नहीं, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जिससे प्राइस के मूवमेंट के ऊपर फ़र्क पड़ेगा, वो हम लोगों ने बाहर किसी व्यक्ति के साथ डिस्क्लोज कर दिया, एंड जिसके वजह से हम लोग कह सकते हैं शेयर में हम लोगों को उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। तो ये चीज़ में मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दी। अभी इन्फोसिस से रिलेटेड बात कर दूँ तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ इन्फोसिस को आज वापस 27 ईयर्स यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों, बहुत ही गजब की न्यूज़ हम लोग को देखने को मिली है। हालांकि IT कंपनीज के ऊपर आप लोगों ने फोकस रखना, क्योंकि H1B वीज़ा से रिलेटेड डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो यहाँ पे सस्पेंशन ला सकते हैं। सो डेफिनेटली इस कंपनी को हम लोगों को थोड़ा सा आगे जाके तकलीफ देखने को मिल सकता है। सो बहुत ही गजब की कंपनी, बहुत सारे लोगों को इसने करोड़पति बनाया, जो कि आप चाहो तो सोशल नेटवर्किंग के ऊपर इन्फोसिस से रिलेटेड बात सर्च करके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद हम लोग बात करेंगे आरती इंडस्ट्री। आरती इंडस्ट्री में आप लोग देख सकते हो लगभग 7% की रिकवरी, आप लोग कह सकते हैं लगभग 60 पॉइंट्स की रिकवरी ऐसे भी बोल सकते हो। एंड ये रिकवरी इसीलिए दोस्तों क्योंकि कल भी मैंने आप लोगों को कहा था कि यस इनके पास से 4000 करोड़ का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तो यहाँ पे कैंसिल हो गया, पार्टी ने बीच में ही तोड़ दिया। 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, 3 साल में ही छोड़ दिया। बट ये भी मैंने आप लोगों को बताया था कि एक पॉइंट था जो कि बहुत सारे लोगों ने आपको नहीं बताया कि लगभग यहाँ पे जो पेनल्टी लगने वाली है बीच में अगर आप कॉन्ट्रैक्ट तोड़ोगे तो कॉम्पनसेशन तो चाहिए, तो लगभग 1000 करोड़ के आसपास आरती इंडस्ट्री को वो कॉम्पनसेशन यहाँ पे उनसे मिल सकता है। तो इसी न्यूज़ के बाद हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं एक अच्छा खासा जंप भी हम लोगों को देखने को मिला है। एंड फाइनेंशियल पोजीशन
देखिए 4,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट जाना ये अच्छी बात तो नहीं है, बट इससे ये नहीं कह सकते कि कंपनी पूरी तबाह हो गई। डेफिनेटली कंपनी के ऊपर असर रहेगा, बट लॉन्ग रेंज में कंपनी ज़रूर कमबैक करने वाली कंपनी है। एंड इससे पहले भी हम लोगों ने ऐसी सारी चीज़ें यहाँ पे देख ली थी। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आने वाले नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर बजाज फाइनेंस, मैंने बजाज फाइनेंस में बीच में दो वीडियोज़ बनाए। बहुत सारे लोग जो मुझे पूछ रहे थे सर बजाज फाइनेंस में जो फ्रॉड्स की वीडियो आ रहे हैं यूट्यूब्स के ऊपर, इसका इंपैक्ट स्टॉक के ऊपर हम लोगों को देखने को क्यों नहीं मिल रहा है, तो इससे रिलेटेड डिटेल वीडियो मैंने कल भी बनाया था, ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख लेना। बजाज फाइनेंस हो या फिर सब हो, जो चीजें हो रही इसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। उस वीडियो में आप लोग जाके देख सकते हो कि मटेरियलिटी वाला कॉन्सेप्ट कि अगर केस हार भी जाती है कंपनी तो कितना नुकसान होगा, इसीलिए हम लोगों को कोई भी यहाँ पे बजाज फाइनेंस फिनसर्व के शेयर के ऊपर नेगेटिवली इंपैक्ट होते हुए देखने को नहीं मिला है। तो वो वाला वीडियो जरूर देख लेना जो मैंने ऊपर आई बटन पे आप लोगों को रेफर कर दिया है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आने वाले IRCTC से रिलेटेड, बहुत सारे लोग एक ही सवाल पूछ रहे सर IRCTC के Q4 के नंबर्स कब आने वाले, इस रेंज में देख देख के हम लोग थक चुके हैं। तो वापस आप लोगों को बताना चाहूँगा, PSC के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके मैंने खुद चेक किया सिक्योरिटी नेम IRCTC एंड सबमिट किया, कोई भी अभी तक डेट यहाँ पे सामने नहीं आई हुई है। सो इस वक्त तो सेबी ने भी कहा था कि यहाँ पे आप लोग रिजल्ट को डिले कर सकते हैं, COVID-19 का इम्पैक्ट भी है, तो ये रिजल्ट अभी कब आएंगे ये तो यहाँ पे जब तक डेटा सामने नहीं आता तब तक हम लोग कुछ भी यहाँ पे नहीं कह सकते। सो दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक है यहाँ पे एवेन्यू सुपरमार्ट डीमार्ट। बहुत सारे लोग यही पूछ रहे कि ये स्टॉक बहुत बुरे लेवल से मतलब गुजर चुका था पहले 1800-1700 तक, उसके बाद अभी इस लेवल पे देखने को मिल रहा है। सो कंसिस्टेंटली यही लोगों की बात बार रिक्वेस्ट आ रही है कि इसका बाइंग लेवल क्या हो सकता है, तो वापस कह रहा हूँ इस लेवल पे बिल्कुल बाय मत करना, क्योंकि ये ओवर वैल्यूड जोन में मतलब अच्छे खासे वैल्यू में अभी आ चुका है। एंड मार्केट भी हमारा आप सभी लोगों को पता है अच्छा खासा हाई लेवल पे ही चल रहा है, विदाउट एनी रीज़न हमारा मार्केट भागते ही चला जा रहा है। एंड इसीलिए अगर गिरावट आ जाती तो ये अच्छा शेयर आप लोगों को सस्ते दाम में मिल जाएगा। हालांकि इनके मैनेजमेंट ने खुद भी कहा है कि आगे इनके रिजल्ट बहुत चैलेंजिंग होने वाले, तो शेयर में गिरावट आप लोगों को मिल जाएगी, तब आप लोग चाहो तो उसको लपक वहाँ जरूर सकते हो। सो लॉन्ग रेंज वालों चाहो तो आप होल्ड कर सकते हो या फिर एग्जिट भी कर सकते हो। उसके बाद हम लोग बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्री। यस दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री से रिलेटेड भी बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि बाइंग लेवल, अभी बाइंग करना नहीं है दोस्तों। जब बाइंग का लेवल था 1000 के नीचे इतना ज़बरदस्त मिल रहा था तभी बाय करना था, अभी इस लेवल पे बाय करना बहुत ही एक खतरनाक डिसीजन साबित हो सकता है। एंड उसी के साथ साथ रिलायंस से रिलेटेड आप लोगों को बताना चाहता हूँ, रिपोर्ट्स के जरिए एक न्यूज़ सामने आ रही है, सऊदी अरेबियस PIF सेट टू द पिकअप 2.33% स्टेक इन अ रिलायंस इंडस्ट्रीज जियो प्लेटफॉर्म। आप लोग ये कह सकते हैं एंड ये लगभग डील होगी $1.5 बिलियन की। अभी तक कंफर्मेशन नहीं मिला है, रिपोर्ट के जरिए न्यूज़ सामने आ रही है, बट इसमें अभी कोई सरप्राइजिंग बात नहीं रही है। जिस तरीके का रिलायंस जियो के जो न्यूज़ सामने आ रहे डील के बाद डील, तो ये भी न्यूज़ हम लोगों को थोड़ी देर के बाद सर्च होते हुए सामने देखने को मिल सकती है। सो डेफिनेटली अभी ये ऐसा हो चुका है कि बार बार न्यूज़ आ रहे तो रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर जो एक्साइटमेंट है न्यूज़ का, क्योंकि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट मिलना, ऐसे एक स्टेक कोई खरीदना, ये एक अच्छा संकेत होता है, शेयर भागना चाहिए। बट अभी 10 से भी ज़्यादा हम लोगों को ये डील देखने को मिल चुकी है, जो कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एक वीडियो में बता दिया था कि आगे बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। सो ज़रूर और भी ऐसे डील हम लोगों को आगे जाके फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। सो ITC स्टॉक से रिलेटेड बात करेंगे, आज तो 1.39% की गिरावट देखने को मिली है। एंड ITC से रिलेटेड आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ पे हम लोग ITC के साथ टाइप देखने को मिल रहा है। यस दोस्तों बेयर क्रॉप साइंस टाइप विद द ITC एग्री बिजनेस। सो यही कहना चाहता हूँ, ये जो टाइप्स होते हैं वो न्यूज़ अच्छी होती है, बट ये न्यूज़ कब काम करती है, लॉन्ग रेंज के लिए काम करती है। अगर सिर्फ टाइप होते ही अगर शेयर भागते रहता तो आप सभी लोग पता है सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स L&T को मिलते हैं, लार्सन एंड टुब्रो, हर 4 से 5 दिन में कॉन्ट्रैक्ट आते रहते हैं। सो ये न्यूज़ आप लोगों को लॉन्ग रेंज में फ़ायदा देती है, क्योंकि टाइप होने के बाद अच्छे खासे बिजनेस होने के बाद प्रॉफिट मिलने के बाद ये कंपनीज बढ़ने की चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड इसीलिए इसका जो इम्पैक्ट होता है वो लॉन्ग रेंज में देखने को मिल जाता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करेंगे वोडाफोन आइडिया। कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि कल तो कुछ नहीं इस कंपनी से रिलेटेड, पर परसों हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलने वाला है ये कंपनी कोर्ट में अपना रोड मैप पेश करने वाली है या फिर ये कंपनी आगे पे कर पाएगी या नहीं, इससे रिलेटेड क्या कॉमेंट्री देने वाली है, इसी के ऊपर सभी लोगों की नज़रें रहने वाली है। सो इसीलिए कल भी ये शेयर के चांसेस है कि यहाँ पे प्रेशर में रह सकेंगे। हालांकि कोई अच्छा पॉजिटिव न्यूज़ का संकेत सामने आ जाता है तो शेयर में हम लोग को ज़बरदस्त रैली भी देखने को मिल सकती है। सो कंप्लीटली आर या पार की लड़ाई अभी वोडाफोन आइडिया में हम लोगों को 2 दिन के बाद देखने को मिलने वाली है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें टाटा ग्रुप्स मतलब टाटा सन्स से रिलेटेड, तो उन्होंने COVID-19 के इम्पैक्ट से रिलेटेड जितने भी अपने एम्प्लॉइज़ है छोटे मोटे बड़े सबकी 15 से 20% तक की सैलरीज यहाँ पे कट
कर दी है। सो ये भी न्यूज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। उसी के साथ साथ वीडियो को क्लोज करते वक्त HDFC असेट मैनेजमेंट कंपनी से रिलेटेड डिटेल में मैंने वीडियो बनाई है, जो कि आप लोग चाहो तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते, या फिर आपके स्क्रीन के ऊपर फ्लैश होता रहेगा कि एक शेयर यहाँ पे गिरने वाला है एंड वो है HDFC AMC। ज़रूर देख लेना, वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी भी मिल जाएगी बाइंग करने से रिलेटेड। सो जाते जाते एक बार अमेरिकन बाजार के ऊपर भी नज़र डाल लेते कि कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो लगभग 5-7 मतलब 2% की जंप अभी रिकवरी होते हुए देखने को मिल रही है। पूरे रात भर ये बाजार चलने वाला है, जिसके ऊपर आप लोगों ने फोकस रखना चाहिए। सो आई होप, आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो जरूर इसको लाइक करना एंड मैक्सिमम शेयर भी कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।